हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सरिता। मेरे चैनल सुहास मिश्रा शेयर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए राजमा मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप रोटी, पराठे, पूरी, नान, जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आज इसको प्लेन रोटी के साथ ही सर्व कर रही हूँ और उसके साथ मैं रख रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली राजमा को ओवरनाइट सोक करके रखा था पानी में। आप चाहे तो व्हाइट राजमा या फिर ब्लैक वाला राजमा भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम प्रेशर कुकर में डाल के 8 सीटी के लिए इसको पकाएंगे। ये मैंने ले लिया एक कुकर, अभी इसमें डाल दूंगी राजमा। एक बात का ध्यान जरूर रखना, राजमा को कुक करने से पहले इसको 2-3 बार जरूर अच्छे से वॉश कर देना। मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से धो लिया था। 1 बड़ा चम्मच नमक और इसमें डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए 2 ग्लास पानी का यूज किया है। अभी इसका कवर हम लगाएंगे और इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक उबालेंगे। जैसे कि 1 सीटी हमारा आ जाएगा, हम गैस को सिम कर लेंगे। मैं इसको इंडक्शन पे कुक कर रही हूँ, आप चाहे तो गैस पे कुक करें। यहाँ पे कुकर को मैंने हाई मोड पे रख दिया है। जब तक ये हमारा कुक होता है तब तक हम प्याज और टमाटर को काट लेते हैं। राजमा मेरा यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुका है, चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसको साइड कर देंगे। अभी हम राजमा में तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमको चाहिए 1 बड़े साइज प्याज को ऐसे मैंने काट लिया है, नमक, थोड़ी सी गरम मसाला, 2 बड़े साइज टमाटर को टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मैजिक मसाला, ऑप्शनल है बिल्कुल, और ये मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला और ये हल्दी पाउडर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा कढ़ाई जो है गरम हो चुका है। अभी हम डाल देंगे इस पे ऑयल। 2 बड़े चम्मच ऑयल हम इसमें डाल देंगे। ऑयल जैसे कि हमारा गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज मेरा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, अभी मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है। अभी हम डाल देंगे सारे ड्राई मसाला, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, हल्दी पाउडर और ये लास्ट में जीरा पाउडर। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। राजमा को कुक करते टाइम भी हमने नमक डाला था, तो उसी हिसाब से नमक डालने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें। इसको 1 मिनट के लिए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई टमाटर। राजमा में थोड़ी सी टमाटर ज्यादा हो तभी जाके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर चाहे तो फिर 1 टमाटर भी डाल सकते हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हमारा हो चुका है, अभी हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं।
पक चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे राजमा और हमारा तेल भी अलग हो चुका है मसालों से। इसको मिक्स करेंगे। इसको हम अभी क्या करेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मैश कर देंगे। बस थोड़ा थोड़ा ही मैश करेंगे, ज्यादा मैश नहीं करेंगे। राजमा को बनाते टाइम अगर हम उसमें से थोड़ा सा साबुत रखेंगे और थोड़े राजमा को हम अगर मैश कर देंगे तभी जाके हमारे राजमा मसाले में टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। आप इस प्रोसेस को एक बार जरूर ट्राई करें। ये मैंने राजमा को थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। गैस को हाई कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। इसको हम अभी कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बॉईल एक आ जाएगा फिर हम उसके बाद ढक्कन हटाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए हमारे राजमा में बॉईल आ चुका है। इसको एक बार थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा 2 मिनट हो चुका है। अभी हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखिए हमारा राजमा अभी पूरा रेडी हो गया है। इससे ज्यादा इसको थिक ना करें क्योंकि ये जितना ठंडा होगा और भी ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मैजिक मसाला और गरम मसाला। फिर से इसको मिक्स करेंगे। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 चुटकी चीनी। फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। राजमा को मैंने एक प्याले में निकाल दिया है। अभी इसको धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी देसी घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अच्छा आता है। ये देखिए हमारा राजमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इस राजमा मसाले को ज़रूर बनाइए और फिर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।